अच्छा जबरदस्त है, इधर आया मेरा नसीब खुल गया। अच्छा, सब मुल्क में सब बढ़िया चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। घर शादी सब कुछ, बहन की शादी किया, भाई की शादी किया, घर बनवाया, बहन भाई की शादी किया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना समर खान। तो दोस्तों, मैं इधर यहाँ पे आया था इस हॉस्पिटल में, और मेरे राइट पे एक भाई बैठा हुआ है, ये देखिए, और बिल्कुल सामने देख रहा है वो भाई। तो भाई से चल के बात करेंगे, शायद हाउस ड्राइवर है वो। देखिए भाई, इधर देख ही नहीं रहे। कैसे बढ़िया हाउस ड्राइवर, उधर आ सकता है तुम्हारी गाड़ी में? तो भाई बोल रहे आ सकते हैं। तो चलो भाई की गाड़ी में चल के बात करते हैं, देखते हैं कहाँ से आए हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल बहुत दूर पड़ता है। तो चलिए, तो भाई की लैंड क्रूजर है भैया, देखो लैंड क्रूजर चला रहे हैं, एसी चालू करके बैठे बढ़िया। सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? ठीक है। अरे हम इंडिया के हैं भाई, आप ही के पास के हैं यार। ये हॉस्पिटल में आए हो? हाँ, बहुत देर से आए हो। नहीं, 15 मिनट। तो मैडम आई है? अच्छा, तो भाई की गाड़ी देख लो। और ये भाई हैं, अभी उनने भाई से बात शुरू नहीं करी है। तो भाई आप कहाँ से हो? मैं आजमगढ़ यूपी से। देखा, मैं आपको पहचान गया था, हमने कहा था कि आप मेरी तरफ के कहीं के हैं। मैं भी इंडिया ही का हूँ, यूपी का। किधर? कानपुर। तो मैं वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन वीडियो यूट्यूब पे, लोगों से बात करता हूँ। तो भाई ये तो बहुत दूर है सिटी से हॉस्पिटल, तो आप यहीं के रहने, इधर ही पास के हो कहीं गाँव में? अच्छा, दोहा से आप आए हैं। तो भाई आप ये बताओ, कतर में कब से आप हैं? 10 साल। 10 साल से? और 10 साल से हॉट ड्राइवर ही है। अच्छा, तो किसको लेके आए हो? मैं उसको बुड्ढी के फैमिली का लेके आया, दोहा में से आया, नसरानिया में। ये बंद कर दीजिए। नसरानिया में उसका घर है। चलिए, अच्छा, उसका फैमिली का, तो उसको लेके। लड़का है कि औरत है? नहीं, औरत। बीमार है? तो उसको लेके आए। फोन करेंगी ना वो तो जब आएंगी बाहर? नहीं, नंबर नहीं इसके लिए, सामने बैठा। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? सालिम। पूरा नाम बताइए। अबू सालिम। अबू सालिम भाई, आजमगढ़। तो 10 साल से भाई इसी घर में हो कि पहले दूसरे घर में थे? नहीं, इसी घर। अच्छा, पहली बार भी इसी घर में आए थे? नहीं, पहली बार सऊदी में था 5 साल। अच्छा, पहले सऊदी में थे 5 साल, फिर उसके बाद यहाँ पे आए हो? तो सऊदी क्यों छोड़ दिया यार? वो सही नहीं था। अच्छा, घर में ही थे वहाँ पे, लहसन वही का था। तो अच्छा, जब यहाँ पे जॉब लगी तो आपको जॉब कैसे मिली? किसी दोस्त से मिली, किसी एजेंट से वीजा लेके आए? नहीं, मेरा वो चचेरा साला है इसी घर में। नहीं, वो अजीजिया में, वो खयात का काम कर रहा है। अच्छा, टेलर है। अल वफा आयन पे। जी जी, काउंटर पे रहता है। जी, तो उससे कांटेक्ट हुआ था तो दिया। अच्छा, वो दिया इस मैडम से बात करके। तो कुछ पैसे लगा था कि फ्री में आ गए थे? हाँ, 450 रियाल लगा था। 450 रियाल बस? पहले 400 बोला था, फिर बाद में बोला 500। बड़ा कम ला रहे, तो नॉर्मल लेना 450। वो भी बंगाली था, वो ले लिया। अच्छा, टिकट आपको इसके घर का जो ड्राइवर था पहले वाला? हाँ, तो सही लिया, देखा जाए इतना महंगा नहीं पड़ा। हम तो 2200 रियाल दे के आए थे। मैं अपने भाई को बुलाया इसी के यहाँ, तो फ्री। हाँ, फ्री होता है ना वीजा, तो फ्री होता है, सब फ्री है। हाँ, तो वीजा फ्री होता है, काफी लोग टिकट भी दे देते हैं कभी कभी, और कभी कभी नहीं भी देते, वो अलग बात है। तो भाई ये बताओ, कितनी सैलरी पे आप यहाँ पे आए थे जब 10 साल पहले? पहले आया तो 1500। 1500 मिल गई थी आपको? तो 1500 पे आए। अब कितनी सैलरी आपकी 10 साल के बाद? 2100। माशाल्लाह। तो भाई ये बताओ, रूम घर का ही है? सब कुछ उसका। और खाना पीना? सब कुछ उसका, खाली पगार मेरा। अच्छा, कपड़े लगते भी कभी कभी बनवा देता है? हाँ, ईद बकरीद में बनवाता है, ईद बकरीद के कपड़े अपने। अच्छा, तो अभी ये बताओ, अभी कई साल से आप घर नहीं गए? मैं अभी तो 2 साल होने वाला है, सितंबर में जाएगा। अच्छा, तो भाई परदेश की लाइफ ऐसी होती है कि आदमी सबके लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है हर चीज, ईद बकरीद में कपड़े हुए, हर चीज अपने लिए नहीं बनाता है। और तो वहाँ पे लोगों को लगता है कि यहाँ परदेश में जो अभी आदमी बहुत आराम से एंजॉय करता है कि वो वाली लाइफ देखता है। तो वही मैं आपसे पूछा, आपने पैसे ऐसे इकट्ठा करे कि नहीं कि सब घर ही पे लगा दिए? मैंने सब दे दिया, सब घर पे। तो आपके अभी बैंक अकाउंट में पर्सनल कितना पैसा इकट्ठा है 10 साल 15 साल से? कुछ भी नहीं है। तो देखिए भाई, परदेश में जो आदमी रहते हैं वो अपने घर वालों के लिए सोचते हैं, अपने लिए बिल्कुल नहीं सोचते हैं। बहन की शादी किया, भाई की शादी किया, घर बनवाया, बहन भाई की शादी किया। तो अभी भाई लोग तो बड़े हो गए होंगे, जब आप आएंगे छोटे होंगे?
हाँ एक बुलाया इधर, एक सऊदी में गया, एक छुट्टी गया, अभी अगले महीने में आने वाला है। तो सब मिलजुल के रहते हो? हाँ सब अल्हम्दुलिल्लाह भी एक ही में। तो सब लोग राइड चल रहे हैं, आप बड़े हैं अपने घर के? नहीं मेरे से बड़ा बम्बई में है मेरा भाई। अच्छा बम्बई दूसरा नंबर में है, तीसरा नंबर सऊदी वाला है। अच्छा आपकी क्या ड्यूटी रहती है? मेरी ड्यूटी कोई फिक्स नहीं है, 10 बजे 11 बजे 12 बजे दिन में निकलते हैं, सुबह भी नहीं निकलते? सुबह में नहीं निकलते, स्कूल मदरसा ऑफिस नहीं, खाली बुड्ढी है, बस एक बुड्ढी और बस वही उसी का काम देखते हो? यार बहुत अच्छा, यानी सुकून का काम है तुम्हारा। तो बुड्ढी तो घर के काम में वैसे नॉर्मली जो है क्या क्या काम रहता है थोड़ा ये बताइए आप। अरे वो तो घर के नॉर्मल बहुत काम है, घर धोना है, गाड़ी धोना है, अच्छा मदरसा जाना है। अच्छा आप अपने घर में क्या घर की पानी यानी कभी सफाई करते हैं कि नहीं, ईमानदारी से बताइए? वो थोड़ा झाड़ लगाया है उसमें पानी यानी डालते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं। लेकिन घर में पूरा काम करना, घर का ड्राइवर का काम पूरा काम का होता है, काम करना पड़ता है, सही है ना? कोई कोई तो हमाम में धुलाते हैं। अच्छा तो धुलाते हैं बहुत से लोग हमाम भी घर में, यानी पूरे सफाई करवाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अब बचे हैं। अब बहुत कम लोग ये बचे हैं जो ये सब काम कराते हैं, नहीं तो खाली जो घर के ड्राइवर का काम रहता है हमने नॉर्मली देखा है 99% वो जो बाहर जो हॉल बाहर जो होता है वहां पे पानी से धुलाई करवाते हैं, घर के बाहर हो या घर के अंदर शहान होता है, अंदर कहीं पे भी कुछ नहीं कराते, ना किचन में ना अंदर, बस बाहर हफ्ते में एक बार क्लीन, हाँ हफ्ते में एक बार क्लीन कराते और कहते हैं गाड़ी धोते रहो। बाहर का काम करवाते हैं ड्राइवरों से, अंदर नहीं काम कराते। बाहर घर में कोई सामान आएगा तो कहो उसको कहते उठा के अंदर रखवाओ, तो ये सब काम कराते हैं, लेकिन अंदर अब कुछ नहीं कराते, बहुत कम लोग हैं, मैंने तो नहीं सुना है। ठीक है तो आप अपनी पूरी सैलरी बचा लेते हो कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बचता है, पूरी सैलरी बच जाता है। यानी घर के काम में एक ये फायदा तो है, अगर घर सही मिल गया तो पूरी सैलरी बच जाती है और सुकून से काम करो। और आने जाने का भाई टिकट मिलता होगा आपको? सब कुछ मिलता। कितने साल में? 2 साल। 2 साल में कई महीने छुट्टी? मेरा 6 महीने है। अच्छा 6 महीने के लिए। अच्छा ये कुछ खर्चा पानी मिलता जब मुल्क जाते हैं? 500 मिलता है। 500 मैडम देती है? अच्छा तो तभी आपको अभी 10 उसके लड़की भी अगर जमा हो गई मालूम हो गया तो वो लोग भी कोई 400 कोई 500 कोई 200 यानी 1,500-2,000 मिल जाता है अगर सबको पता है तो खर्चा निकाल आता है। तो यानी आप बहुत खुश हैं। तो कतर के बारे में कोई अच्छी बात बोलना चाहते हैं आप यहाँ पे? इतने सालों से ये कतर आपको काम दे रहा है तो कुछ कहना चाहते हो तो कहो कतर के बारे में। कतर अच्छा जबरदस्त है, इधर आया मेरा नसीब खुल गया। अच्छा सब मुल्क में सब बढ़िया चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह घर शादी सब कुछ आराम से हो गया। चलिए भाई चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। ठीक है तो दोस्तों हमने आप लोग की भाई से बात कराई है और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, जितने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके बाय।